नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कंप्लीट हेल्थ केयर चैनल हेल्थ वाटिका में। धनिया, सौंफ और मिश्री सामान मात्रा में मिलाकर पीस लें। इस चूर्ण का खाना खाने के बाद एक चम्मच हर रोज लगभग 2 माह तक सेवन करने से हाथ पैरों में जलन, छाती की जलन, नेत्रों की जलन, पेशाब की जलन व सिर दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। चक्कर आना, अफरा, एसिडिटी व कमजोरी दूर होती है। नींद नियमित होती है। नेत्र की ज्योति व याददाश्त भी बढ़ती है। सौंफ में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की भी क्षमता होती है, अतः भोजन के बाद सौंफ और मिश्री अवश्य चबाएं। ऐसा करने से हाजमा भी दुरुस्त रहता है। लीवर और आंखों की ज्योति भी ठीक रहती है। प्रतिदिन 2 से 5 ग्राम सौंफ नियमित सेवन करने से मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। आंखों की रोशनी की बेहतरी के लिए सौंफ, बादाम और मिश्री बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। सुबह शाम इस चूर्ण का 1-1 चम्मच पानी के साथ 2 महीने तक लगातार सेवन करने से आंखों की कमजोरी दूर हो जाती है। हरी सौंफ का रस गाजर के रस में मिलाकर 3 माह तक सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है तथा रात को न दिखाई देने वाले को भी दिखाई देने लगता है, यानी रतौंधी ठीक हो जाती है। कच्ची व भुनी सौंफ बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। 2 चम्मच चूर्ण मट्ठे के साथ सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है। सौंफ का चूर्ण बनाकर रात को सोते समय मिश्री मिले दूध या पानी के साथ लेने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। भोजन के बाद नियमित रूप से सौंफ खाने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। पाचन क्रिया में सुधार आता है और मूत्र रोग भी दूर होते हैं। तवे पर भुनी हुई सौंफ के मिश्रण से अपच, एसिडिटी और दस्त में बहुत लाभ होता है। सौंफ एक अच्छा माउथ फ्रेशनर भी माना जाता है। सौंफ खाने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है। सांसों को तरोताजा रखने के लिए भोजन के बाद सौंफ जरूर खाना चाहिए। इससे पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। सौंफ को पानी में उबालकर मिश्री डालकर ठंडा करके दिन में 2-3 बार पीने से खट्टी डकार आना बंद हो जाता है। सौंफ तथा मिश्री को एक साथ पीसकर 1 चम्मच चूर्ण दिन में 2-3 बार पानी के साथ सेवन करने से खूनी दस्त आना बंद हो जाता है। बच्चे के जन्म के बाद यदि माता के स्तनों में दूध न उतरे तो सौंफ, सफेद जीरा व मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। इसका 1 चम्मच चूर्ण दूध के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से स्तनों में दूध उतरने लगता है। सौंफ के पत्ते का काढ़ा बनाकर सेवन करने से स्त्रियों के स्तनों में दूध की कमी दूर हो जाती है और पाचन क्रिया भी ठीक होती है। सौंफ में पीसी हुई मिश्री मिलाकर सुबह शाम नियमित गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से स्त्रियों के स्तनों में दूध बढ़ जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हेल्थ वाटिका के अगले एपिसोड में कुछ नए और नायाब नुस्खों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड बाय।